हेलो फ्रेंड, हो सकता है आपने कभी ऑब्जर्व किया हो अपने घरों के आसपास कि बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घरों के आसपास घूमते रहते हैं। कभी आपने मिट्टी में देखा होगा, कभी आप पार्क गए होगे वहाँ पेड़ों के ऊपर देखा होगा, मिट्टी में देखा होगा, या फिर वाटर में देखा होगा, या फिर हवा में उड़ते हुए देखा होगा। वो बहुत ही कॉमन होते हैं, बट हमें उनका नाम नहीं पता होता और बच्चों को भी उनका नाम नहीं पता होता। तो आज हम कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के नाम के बारे में जानेंगे और थोड़े थोड़े उनके फीचर्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। तो इन्हें जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। बटरफ्लाई, तितली, ये बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव इंसेक्ट है। ये आपको फूलों के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा और ये बहुत ही कॉमन इंसेक्ट है, आप सभी ने इसे देखा होगा। टर्माइट, दीमक, ये मेनली आपको जो लकड़ी में घुन लग जाता है वो इन्हीं की वजह से लग जाता है और ये लकड़ी में अपना घर बना लेती है और लकड़ी को बिल्कुल खराब कर देती है। ड्रैगन फ्लाई, ये मोस्टली आपको बारिश के मौसम में उड़ती हुई मिलेंगी और जो इसके विंग्स होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। एंड चींटी, ये बहुत ही कॉमन इंसेक्ट है, ये सभी के घर में होता है और ये दो कलर में होता है, रेड में और ब्लैक में। स्टिक इंसेक्ट, कट कीड़ा, ये जो इंसेक्ट होता है दिखने में बिल्कुल एक लकड़ी की तरह लगता है और हम इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर ये किसी लकड़ी के पास रखा हो या बैठा हो, हम इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये दिखने में बिल्कुल लकड़ी जैसा लगता है। क्रिकेट, झिंगू, ये इंसेक्ट आमतौर पर मिट्टी में देखने को मिलता है और ये मिट्टी में रहता है और रात में आपने बहुत बार आवाज़ सुनी होगी, वो झिंगू ही आवाज़ करता है। स्पाइडर, मकड़ी, मकड़ी को कौन नहीं जानता होगा, सभी ने मकड़ी को देखा है और जो इसका इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होता है। बेड बग, खटमल, रेड वेलवेट माइट, लाल मखमली घुन, ये मेनली मिट्टी में देखने को मिल जाता है, ये दिखने में बिल्कुल रेड वेलवेट जैसा होता है, इसी के इसके ऊपर नाम रखा गया है, रेड वेलवेट माइट। स्टोन फ्लाई, पत्थर की मक्खी, मेनली ये जो इंसेक्ट है ये स्टोन्स जो होते हैं उनकी दरारों में मिल जाते हैं और ये वहीं पर ही रहते हैं। सिल्क मोथ, रेशम की, इसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसी से ही हमें रेशम मिलता है। हनी बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है हनी बी के, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से लिंक पर क्लिक कर वीडियो वॉच कर सकते हैं। कॉकरोच, तिलचट्टा, डंग बिटल, फ्ली, पिस्सू, ये मेनली आपको डॉग्स हेयर में, कैट के हेयर्स में और रैट के हेयर्स में देखने को मिल जाएंगे, ये उनके ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। मे फ्लाई, रेड कॉटन बग, ग्रास हॉपर, टिंडी, जाइंट वाटर बग, जल कीट, डिगर वास, ततैया, स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्कॉर्पियन के बैक पर पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं टैल्सर और इसी के अंदर ही वेनम ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसका ये यूज करता है डिफेंस के लिए और अटैक के लिए। सिल्वरफिश, ये मेनली आपको किताबों के आसपास, कपड़ों के आसपास देखने के लिए मिल जाती है, ये मछली नहीं होती, ये इंसेक्ट का ही नाम है सिल्वरफिश। मॉस्किटो, मच्छर,
लेडी बर्ड बीटल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।